नमस्कार आदाब। आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल कर्मचारी श्रमिक संघ के तत्वाधान में आज एक भ्रष्टाचार खुलकर जारी है। इस बात को लेकर के एक बहुत बड़ी यात्रा जो है सीधा कमिश्नर कार्यालय की तरफ जा रही है एक ज्ञापन देने के लिए। आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पर स्टाफ कदम से कदम मिला करके परिवारवाद बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको लेकर के आज एक ज्ञापन देने के लिए सभी यहाँ कमिश्नर कार्यालय पर पहुँच रहे हैं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। तख्तियाँ आप देख रहे हैं कि बहुत ही एक निराशा, जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल कर्मचारियों में भारी रोष है। भ्रष्टाचारी की आवाज़ को रोकने के लिए एक लंबी लड़ाई जो शुरू हो गई है उसे पूरा करने के लिए पूरा, आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जनसमूह कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आगे जा रहा है। विगत कई दिनों से मेडिकल डायरेक्टर को हटाने के बाद से लगातार चर्चा में आ गया है जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल। एक ही परिवार के लोग जो है वो मतलब पूरे हॉस्पिटल को चला रहे हैं, एक ही परिवार के लोग, वो इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। अगर ज़रूरत, हम तो कोई बात करते नहीं है। हमारा भारतीय मजदूर संघ जो है राष्ट्रहित, वर्ल्ड का नंबर वन संगठन है। पहले राष्ट्रहित की बात करते हैं, फिर निगम हित की बात करते हैं, और जब अति हो जाती है कर्मचारियों की तो हम कर्मचारी हित की बात करते हैं। तो अब हमने ये अपने हाथ में ये मामले को ले लिया। अगर इसमें ज़रूरत पड़ी मुझे तो मेरे को पेपर्स भी मिल गए हैं और आने वाले हैं भ्रष्टाचार से संबंधित पेपर। मैं इसके लिए लोकायुक्त में जाने के लिए भी तैयार हूँ और ईओडब्ल्यू में भी जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जांच कराऊँगा, इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मामला है कि विगत कई वर्षों से कर्मचारियों के साथ अनैतिक शोषण किया जा रहा है। हम लोग के साथ में वेतन से संबंधित विसंगतियां हैं और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी हमारा एक संघ बनाने के बावजूद भी 1.5 साल से हम इस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं की तो भी उन लोग कुछ लोगों को उसमें आगे बढ़ दिया, कुछ को नहीं दिया, किसी का कुछ नहीं देखा और संगठन को तोड़ने के उद्देश्य से मात्र उन्होंने ये कार्रवाई की है। इसके अलावा मरीजों से भी संबंधित हमको चाहिए कि वहाँ पे सब सुविधा, उनको मूलभूत सुविधाएं उनको दी जाए। बेचारे ये बारिश में ये बिजली कड़कती है, उसमें पड़े रहते हैं बाहर शेड में, तो यह एक मानवीयता की बिल्कुल पराकाष्ठा है कि जिसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमने खुद उनसे पर्सनली बात की थी सीओ मैडम से कि आप कृपया मरीजों के लिए एक शौचालय बनाएं जो बिल्कुल ओपन में जाती हैं महिलाएँ, रात में उनके साथ कुछ अनैतिक कार्य भी हो सकते हैं। मगर अभी तक उन्होंने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की और एक ही परिवार इसमें चल रहा है। आप मैडम आज एक ज्ञापन दिया गया जी कार्यालय में आकर के जी। देखिए हम यहाँ पर, आप जो हमारी संख्या देख रहे हैं वो आधी ही है क्योंकि काफ़ी लोग अस्पताल में काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मरीजों को कोई असुविधा हो और हमारा सिर्फ उद्देश्य ये ज्ञापन देने का ये है कि अस्पताल की का भला हो, कर्मचारियों का भला हो, वहाँ इलाज ले रहे मरीजों का भला हो। क्योंकि हमारा जो अस्पताल है हम वहाँ 25-26-27 साल से जुड़े हुए हैं, हमने उसको बच्चे की तरह पाला है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम हमारी बात तो सुनी जाए। कोई आके पूछता भी नहीं है मैनेजमेंट से कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। हमने दिया था ज्ञापन कि 48 घंटे में हमको बुला के बात कर ली जाए, कोई पहल नहीं की गई उस तरह से। मौजूदा प्रबंधन कैसा काम कर रहा है? देखिए मौजूदा प्रबंधन जैसा भी काम कर रहा है वो तो आपको दिख रहा है, हाँ वो नहीं कहना है हमारा। हमारा कहना ये है कि जो हमारी हमें हमारे मरीजों को, हमारे अस्पताल को असुविधा हो रही है प्रबंधन की तरफ से, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। हमारी मांगों को बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि हम सब इकट्ठे होकर अगर कोई मांग कर रहे हैं तो वो जायज़ ही होगी। मेरा इस संबंध में ये कहना है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय मजदूर संघ का, मेरा इस संबंध में ये कहना है इन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है और ख़ास तौर से क्लास 4 के जो लोग हमारे लोग हैं, सफाई कामगार हैं, उन लोगों के साथ तो इतनी अति हो रही है कि आप सोच नहीं सकते। इधर तो अपन मतलब ये है कि उन लोगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं,
इधर ये लोग ये कर रहा हूँ, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है। मेरा तो खुल के आरोप है कि ये लोग भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं, करोड़ों अरबों रुपए का इन ये लोग घोटाला कर रहे हैं, दवाइयों के अंदर घोटाला कर रहे हैं, दिखाने जो जाते हैं उनसे पैसे वसूलते हैं, आयुष्मान कार्ड के अंदर ये लोग बहुत घपले कर रहे हैं। मेरा तो कहना यह है कि इसकी जांच होना चाहिए उच्च स्तरीय लेवल के ऊपर। जवाहरलाल कैंसर अस्पताल की जो समस्याएं हैं और उसके प्रति जो आंदोलन हो रहा है ये लगभग कंटिन्यू एक महीने से चल रहा है और प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। मुझे भारतीय मजदूर संघ प्रदेश की ओर से आदेश मिला है, मैं विभाग प्रमुख के यहाँ पद पर दायित्व पर हूँ और मुझे आदेश मिला है कि इनकी समस्याओं को लेकर के ये जो आंदोलन रहते हैं इनके साथ आप संघर्षरत रहिए। भारतीय मजदूर संघ ऐसा संगठन है और ये अस्पताल में जो हमारा एफिलेटेड ये संगठन है ये ऐसा संगठन है कि जो सबसे पहले मरीजों की चिंता कर रहा है, उनकी सुविधाओं की चिंता कर रहा है, उसके बाद अपनी मांगों को लेकर के साथ में खड़ा हुआ है। अगर अस्पताल प्रबंधन नहीं जागता है तो भारतीय मजदूर संघ सब हथकंडे अपना कर अपने अधिकार को लेना जानता है। भारतीय मजदूर संघ देश के हित में करेंगे काम, पूरे कौन बनाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। आदाब, आप देख सकते हैं कैंसर अस्पताल जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल से एक बड़ा दल पदयात्रा निकालता हुआ ज्ञापन देने के लिए यहाँ कमिश्नर कार्यालय पर आया हुआ है। अस्पताल प्रबंधन भीगती भी बारिश में एक पदयात्रा के रूप में बहुत ही साफ ही एम्प्लाई अपना विरोध दर्ज कराते हुए यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए कमिश्नर कार्यालय में आ गए हैं। मैं आपको बताऊँ, कई उनके हाथों में तख्तियाँ हैं, कई इन्होंने इसमें स्लोगन लिख रखे हैं और कई इनकी जो घोषणाएँ हैं और कई चीज़ों से काफ़ी परेशान है। विगत दिनों कैंसर अस्पताल जो एक मानव सेवा को समर्पित अस्पताल है, इन दिनों वो एक भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुका है, ऐसा कर्मचारी का आरोप लगा हुआ है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में मामा जी इंसाफ करो तख्तियाँ लगी हुई हैं। अभी हाल ही में मेडिकल डायरेक्टर को भी उन्होंने हटा दिया था पद से, उसका भी बड़ा विरोध हो रहा है। उसी को लेकर के आगे देख रहे हैं, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पूरा अस्पताल प्रबंधन जो मौजूदा मनमानी कर रहा है उसको लेकर भी असंतोष व्याप्त है। एक बड़ी लड़ाई सामने निकल कर आई है। मैं आसिफ खान, गणित न्यूज़ से, राजधानी भोपाल। सब लोग आ गए।